नमस्कार दोस्तों, एमिस्ट्री एंड स्ट्रीम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हवाई जहाज में लगे लाल रंग के डिब्बे को ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों बेहद कम लोगों को यह बात मालूम होगी कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। जिन्हें यह मालूम है कि ये क्या चीज है, हो सकता है उन्हें यह ना पता हो कि लाल रंग होने के बावजूद भी ये ब्लैक बॉक्स क्यों कहलाता है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे कई रोचक कारण छुपे हुए हैं। इन्हें जानकर आपको ताज्जुब तो होगा ही, साथ में आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम आपको ये जानकारी इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि बीते हाल ही में एक इंडोनेशियाई प्लेन क्रैश होने से 188 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद गुरुवार को समुद्र में हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद कहा जा रहा है कि हवाई जहाज क्रैश कैसे हुआ। दोस्तों इसकी जानकारी इसी से मिलेगी, मगर ये जानना भी जरूरी है कि ब्लैक बॉक्स क्या है जिसे दुर्घटना के कारण का पता चल जाता है। दरअसल दोस्तों ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर की तरह काम करता है और यह विमान की पल पल की जानकारी रखता है। यह किसी भी विमान में उड़ने के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों को बारीकी से रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। दोस्तों यह वायुयान में पिछले हिस्से में फिट होता है। बताना चाहेंगे कि विमान में लगा ब्लैक बॉक्स क्यों प्लेन क्रैश के बावजूद सही सलामत बच जाता है। दरअसल यह टाइटेनियम का बना होता है जो कि काफी मजबूत धातु मानी जाती है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स को टाइटेनियम के एक डिब्बे में बंद करके रखा जाता है। दोस्तों इसी कारण अगर ब्लैक बॉक्स काफी ऊंचाई से गिरता है तो भी उसे नुकसान नहीं पहुंचता। कैसे हुई ब्लैक बॉक्स की खोज? दोस्तों साल 1953-54 में हवाई हादसों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए विमान बनाने वाली कंपनियों ने विमान में ऐसे उपकरण लगाने की बात की जो हादसों के सही कारण को बता सके, ताकि भविष्य में हादसों से सीख कर बचा जा सके। इसके लिए ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किया गया। दोस्तों ब्लैक बॉक्स का रंग लाल होता है, दोस्तों इसीलिए शुरुआत में इसे रेड एग कहते थे, लेकिन बाद में इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ गया। दरअसल दोस्तों ब्लैक बॉक्स की भीतरी दीवार को काला रखा जाता था। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, दोस्तों इसमें विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन कितना है, गति, हलचल, केबिन का तापमान इत्यादि सहित 88 प्रकार के आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं। यह 25 घंटों से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी एकत्रित रखता है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स 11,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को एक घंटे तक झेल सकता है और इसके भीतर लगा यंत्र 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 10 घंटे तक सहन कर सकता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दोस्तों ब्लैक बॉक्स में लगा यह रिकॉर्डर फ्लाइट की उड़ान के 2 घंटे के समय की आवाज रिकॉर्ड करता है। यह इंजन की आवाज, आपातकालीन अलार्म की आवाज, केबिन की आवाज और कॉकपिट की आवाज और फ्लाइट कंट्रोल के बीच की बातचीत रिकॉर्ड करता है, ताकि पता चल सके हादसे में पहले विमान का माहौल कैसा था। कैसे खोजते हैं ब्लैक बॉक्स? दोस्तों ब्लैक बॉक्स 30 दिनों तक बिना विद्युत के काम कर सकता है। जब यह विमान से अलग होता है तो प्रत्येक सेकंड एक बीप की आवाज तरंग निकलती है। दोस्तों यह तरंग 30 दिनों तक निकलती है, जिसे खोजी दल 2-3 किलोमीटर की परिधि में आसानी से खोज सकते हैं। 15,000 फीट गहरे समुद्र में भी यह तरंगे भेजता रहता है। दोस्तों यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।